हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सबसे पहले तो जितना भारतवासी हैं उनको दिवाली की बधाई, भारत के लोग जो विदेशों में हैं उनको बधाई, और भारत का जो भला चाहते हैं, समर्थन करते हैं, उन सबको भी बहुत बहुत दिवाली की बधाई। आप लोग जो है एंजॉय करिए, पटाखे जलाइए और धूमधाम से दिवाली मनाइए, और गणेश लक्ष्मी की पूजा करके अपना प्रसाद वगैरह खाइए। ठीक है मित्रों, आज जो है आईसीसी वर्ल्ड कप का लीग का आखिरी मैच था, वो इंडिया और नीदरलैंड के बीच में जो बंगलोर में चला है। आज जो है इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अपना हाईएस्ट रन बनाया, इससे ज़्यादा एक बार साउथ अफ्रीका ने बनाया था। तो इंडिया ने 410 रन बनाया, जिसमें रोहित शर्मा 61 रन, गिल 51 रन, विराट कोहली 51 रन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने सेंचुरियाँ बनाई। श्रेयस अय्यर ने 128 रन बनाया, और उन्होंने बल्कि सिर्फ 94 बॉल पे 128 रन बनाया, और केएल राहुल ने 64 बॉल पे 102 रन बनाया। एक समय लग रहा था कि शायद सेंचुरी वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बॉल रह गया था कम, सिर्फ 5 ही बॉल रह गया था, 95 उनका स्कोर था, लेकिन उन्होंने लगातार 2 छक्के मार दिए। और नहीं सॉरी, 89 बॉल था, उसके बाद इन्होंने लगातार 2 छक्के मारे, तो 102 रन पे ये अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। तो इस तरह से इंडिया ने अपने सारे लीग मैच जीत लिए एक तरफ से। वन और सारे मैच ऐसा नहीं है कि कोई फाइट करके बहुत तगड़ी फाइट हुई हो, एक्सेप्ट वो न्यूजीलैंड से जो 4 विकेट से जीते थे, बाकी किसी मैच में इनकी कोई फाइट नहीं हुई। बहुत ही कन्विंसिंग विक्ट्री सारे मैचों में रही है, और इस तरह से इस समय हमारी टीम इंडिया की पूरी कॉन्फिडेंस के साथ भरी हुई है, और न्यूजीलैंड को डर लग रहा होगा इस समय बॉम्बे में खेलने में, या ईडन गार्डन बॉम्बे में होगा मैच शायद, तो उनको अब डर लग रहा होगा कि इस टीम से कैसे निपटा जाए। आज शुरू में फास्ट बॉलिंग उतनी धार नहीं दिख रहा था, पता नहीं क्यों उसमें हमें, लेकिन अब नीदरलैंड है, उसके खिलाड़ी तो जानते हैं, अंत में वो लोग जो है टोटल कुल मिला करके 250 रन पे ऑल आउट हो गए। इस तरह से इंडिया ने 160 रनों से मैच जीत लिया, और अब जो है 15 तारीख को सेमीफाइनल मैच है इनका न्यूजीलैंड के साथ, देखते हैं क्या होता है। अब इंडिया के इस तरह लगातार जीत से पोरकियों की बिल्कुल जल गई है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस किया होगा, पता नहीं आप लोग देखते होंगे जरूर, अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो और भी यूट्यूब चैनल, आपने ये चीज जरूर नोटिस किया होगा कि जब कोई भी पोरकी ना, पाकिस्तानी चैनल वाला कोई भी जब इंडिया की तारीफ करता है तो लगता है कि वो बनावटी तारीफ कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा है, जबान से कर रहा है, उसमें उसका कुछ स्वार्थ रहता है। तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानियों को इतने जूते पड़े हैं, इतनी बुरी तरह से हार के यहाँ से गए हैं मार खा के ना, कि इनको सब चीज़ में साजिश। अब पाकिस्तानी वहाँ मना रहे हैं पाकिस्तान में कि इंडिया हार जाए, इंडिया न जीतने पाए, चल क्योंकि इन्होंने बड़ा यहाँ साजिश किया है, और उल्टा सीधा करके ये लोग सारे 9 मैच जीते हैं। तो मतलब सारे दूसरे टीम जो है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ये लोग जेन्यून बातें करते हैं भाई, कि अपनी कमियां बताते हैं, क्या हुआ हमारे, हम क्यों हम हार गए, लेकिन पाकिस्तानी अपनी कमियों तरफ तो देखते ही नहीं है, ये तो ये साजिश की बात करते हैं, क्योंकि देश ही पूरा पाकिस्तान देश ही साजिश पे चल रहा है। पाकिस्तान का पूरा
इस समय आप देखिए वहाँ का क्या माहौल है पाकिस्तान का। नेतागिरी इलेक्शन के चक्कर में पड़े हुए हैं, आपस में नेता इलेक्शन के चक्कर में पड़े हैं कि जल्दी हमारी सरकार बने, लूटने का मौका मिले। आर्मी चीफ सबको डंडा मार मार के रखा हुआ है, सब डरते हैं आर्मी चीफ से, जबकि आर्मी चीफ का पॉलिटिक्स से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ की जो आवाम जो है ना वो भी उसी तरह की है, वो भी अगर कुछ होता है तो सीधे आर्मी चीफ की तरफ देखती है। इतना बकवास देश है और हर चीज़ में ये हम लोग की साजिश ढूंढते रहते हैं। तो ये इतनी बेइज्जती हो कि यहाँ से गए हैं कि अब पाकिस्तानी पता नहीं वेट कर रहे हैं कि बाबा राजा आए तो उसकी कुटाई करें, क्योंकि मतलब पाकिस्तानियों के चक्कर में मैं हिंदुस्तानी अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पाकिस्तानी हम लोग को काफिर कहते हैं हिंदुओं को, आप उनके चक्कर में मत पड़िए, उनकी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल मत आइए। पाकिस्तान आपका दिल से दुश्मन है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ देख सकता है, इंग्लैंड को देख सकता है, न्यूजीलैंड को देख सकता है, साउथ को देख सकता है, इवन वो एक बार अफगानिस्तान को भी, लेकिन इंडिया को जीतना वो बिल्कुल नहीं देख सकता क्रिकेट में। तो ऐसे बकवास देश में उस और उसके पास है क्या, क्यों उसके चक्कर में पड़े रहते हो? तो हमारे देश के लोगों को ये मेरी सलाह है कि इन लोगों के चक्कर में बिल्कुल पड़ो ही मत। ये इनकी बातें सुनो ना, तो बाकी जो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं इधर उधर की, वो देखिए वो कितना चलते हैं आप लोग से। तो सब लोग जो है आज दिवाली आनंद से मनाइए, भारतीय क्रिकेट टीम ने आपको खुशी का एक और मौका दिया। ये दिवाली के साथ साथ सबसे बड़ा दिन होता है दिवाली, सबका घर जगमगा रहा है, सब लोग अपने घर में रोशनी करते हैं, दिया जलाते हैं। तो आज दिवाली का इतना शुभ दिन पे आज जो है इंडिया ने 9 के 9 मैच जीत लिए हैं, इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने कभी किया था कि लगातार वो 11 मैच जीते थे, तो इंडिया को भी 11 मैच जीतना उनका बराबरी करने के लिए। तो जब सेमीफाइनल और फाइनल जीत जाएंगे तो लगातार 11 मैच हो जाएगा। तो बहुत ही शुभकामनाएं हमारी इंडियन टीम को, बेस्ट ऑफ लक, कीप इट अप, आप लोग जरूर जीतेंगे। 120 करोड़ हिंदुओं की, 140 करोड़ जो है भारतीयों की दुआएं आपके साथ हैं। हम लोग ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जीतें और बहुत ज़बरदस्त जीतें और कन्विंसिंगली जीतें। तो फ्रेंड्स अब देखिए आज का मैच भी ख़त्म हो गया, हालांकि इस मैच का ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं था, ये तो खेलना था लीग में, सारे सबको खेलने ही थे, तो हुआ मैच। इस मैच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था किसी की रैंकिंग में। तो फ्रेंड्स अब इंजॉय करिए, दिवाली मनाइए, नया साल मनाइए सब लोग, और बस इससे 15 तारीख को हम लोग अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, भारत माता की जय, आप सबको शुभ दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत बधाई, और इन्जॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।